हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज हम एक नए स्पीसीज़ के साथ आपको मिलेंगे। आज का जो स्पीसीज़ है वो काफ़ी प्यारा है, या क्या कह सकते हैं कि काफ़ी सुंदर है, बट वो सिर्फ देखने में ही सुंदर है तो वो काफ़ी डेंजरस। तो आज हम जो स्पीसीज़ पढ़ने वाले हैं वो बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेट से, और जो क्लास है उसका वो है कॉन्ड्रिकाइट्स, एंड ऑर्डर है टॉर्पीडो फोरेंस, एंड जीनस जो है वो है टॉर्पीडो। यानी कि आज सीधी सीधी बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्पीडो के बारे में। तो अगर हम टॉर्पीडो की बात करते हैं तो इसके कई सारे स्पीसीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज़ टॉर्पीडो के हैं। आइए हम देखते हैं कि टॉर्पीडो एक्चुअली दिखने में कैसा होता है। अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, आपके सामने है टॉर्पीडो का एक स्पीसीज़। ये देखने में कितना प्यारा सुंदर लग रहा है और बिल्कुल एकदम फ्लैट है। अगर हम इसके बॉडी के पार्ट्स की बात करें तो ये देखिए आपके सामने, मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि इसके बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये देखिए आईज़ है। आईज़ के जस्ट नीचे जो होल बने हुए हैं ये आपके स्पाइकल्स कहलाते हैं, और उसके जस्ट नीचे दोनों साइड पे, यानी कि इस साइड और आपके इधर वाले साइड पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसी ऑर्गन के वजह से हम इस स्पीसीज़ को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। इसके पास देखिए ये प्रेजेंट है आपका पेक्टोरल फिन, ये देख रहे हैं ये फिन्स हैं, और फिर उसके नीचे है पेल्विक फिन्स, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट डॉर्सल फिन है, और फिर उसके जस्ट नीचे दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं वो है आपका सेकेंड डॉर्सल फिन, और फिर आपका टेल। अगर हम बात करें कि ये एक्चुअली फाउंड कहाँ होते हैं तो ये डीप सी बॉटम में देखने को मिलते, करीब आपके 80 to 100 meters अंडर, डीप सी के अंडर देखने को मिलते हैं, और ये एक तरीके के मराइन फिश भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ ये कार्निवरस टाइप के होते हैं, और अगर इनके बॉडी की पार्ट्स की बात करें तो ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, फ्लैटेंट होते हैं, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं आराम से। अगर हमें इसको दिखाएं तो एकदम फ्लैट तरीके से देखिए, एकदम बिल्कुल फ्लैट है बॉडी, और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, डिक्स शेप होते हैं, देखिए एकदम डिक्स की तरह लग रही है। और अगर इनके स्किन की बात करें तो इनका स्किन काफ़ी स्मूद होता है, और इनमें कोई भी स्केल्स देखने को नहीं भी मिलते हैं। साथ ही साथ इनके पास एक ऑर्गन होती है जिसे इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, और ये ऑर्गन जो होती है ये इन्हें ऑर्गन जो होती है ये आपके, तो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होती है ये इनको प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर इनके रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल बीबी पिराटी टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये स्पीसीज कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर इनका हम दूसरा साइड देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ और एक नए स्पेसमैन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।